ओके नमस्कार दोस्तों, हम अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे कि जब भी बाइक की डिस्क ब्रेक प्लेट होती है जब टेढ़ी होती है तो उसको किस तरीके से सीधे करते हैं। पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से टेढ़ी है और कैसे सीधी करना है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से टेढ़ी है। दोस्तों देखिए, ये जो है यानी आप इसको देख रहे हैं, इसको दोस्तों ये टेढ़ी है इस कारण से ये, और ये जो है थोड़ी सी ऐसे ऐसे करती है। जब टेढ़ी रहती है तो ये भी इसी तरीके से करती है। दोस्तों देखिए, ये देखें तो ये पहिया भी जाम चल रहा है इसका, और ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे लचकदार चल रही है। ठीक दोस्तों, ये देखें इस तरीके से लचकदार चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर भी देखें सभी जगह पर चमकदार है, जैसे ये यहाँ यहाँ पूरी जगह चमकदार है, पर यहाँ पर जो है इस जगह से इतनी दूर तक, इतनी से इतनी दूर तक बिल्कुल ये दूसरी तरीके कलर है। तो दोस्तों इसको सीधी करने के लिए हम बताते हैं किस तरीके से सीधी करते हैं। दोस्तों पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं पहले कि हमको पहिया चलाने में बिल्कुल आसानी से हम चला सकें। और दोस्तों इसके लिए हम देखो एक तार बांध दिया है, इसमें हम तार भी बांध दिया है। दोस्तों देखिए, हम एक तार बांध दिया है जिससे कि हम को महसूस हो कि कहाँ पर यानी ये टेढ़ी है, कहाँ पर सीधी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम इस तार को इस तरीके से करते हैं कि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर छूते हुए आ रही, ये बिल्कुल छूते हुए, और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा दूर हो रही, इससे दूर हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए देखिए यहाँ पर फिर इससे पास में आ गई बिल्कुल। अब ये देखिए दोस्तों बिल्कुल करीब में, और फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए कितनी दूर, ये इतनी दूर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये इतनी दूर है, यानी इस जगह पर जिस जगह पर टेढ़ी है उस जगह पर ये तार बिल्कुल दूर हो जाओ बिल्कुल। बाकी देखें दोस्तों इस जगह पर यहाँ पर टच हो रहा बिल्कुल, आप देख लें इसको और करीब से देखें तो दोस्तों देखें बिल्कुल ये हर एक तरीके से यानी ये बिल्कुल ये करीब है। तो दोस्तों इसको सीधी करने के लिए हम बताते हैं दोस्तों किस तरीके से सीधी करते हैं। दोस्तों देखिए, अब आप यहाँ पर थे ये दूर है हाँ दोस्तों, और ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल करीब में, इस तरीके आप देखिए बिल्कुल करीब में जा रहा था, अब यहाँ पर टच भी हो रहा। ठीक दोस्तों, हम इसको किस तरीके सीधे करते हैं बताते हैं। दोस्तों जैसे तो हम तार बांधिए, वैसे हम क्या करते हैं जब भी हमको सीधी करना होता है दोस्तों, हम यहाँ पर उंगली लगाते हैं इस तरीके से दोस्तों उंगली लगाते हैं और हम देख चलाते हैं इस पहिए को। अब जहाँ पर हमको यानी दूर जाता है और हर जगह टच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर नहीं टच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर टच हो गया और यहाँ पर टच हो गया, लेकिन इतनी दूर में नहीं टच हो रहा, तो इसको दोस्तों हम उधर से सीधी करते हैं। दोस्तों अब सीधी करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए क्या, एक हथौड़ी ले लिया है, एक एक्सल। तो दोस्तों हथौड़ी और एक्सल के सहारे हम इसको सीधी करते हैं। देखिए दोस्तों अभी भी इस जगह देखें, इस जगह पर क्या है कि ये ज़्यादा आ गई है और ये इस जगह पर यानी बिल्कुल ज़्यादा आ रही है इस जगह पर, तो हमको इस जगह से फिर से एक बार फिर से ठोकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखो दोस्तों अभी भी ये सही नहीं आ रही दोस्तों, यानी ये इतनी जगह टच हो रहा और इतनी जगह पर टच नहीं हो रहा, ये टच नहीं हो रहा, तो ये टच नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ पर चोट मारेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम कभी कभी इस तरीके से मार सकते हैं या ए दोस्तों बहुत आराम से मारना है इनको, बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, ये इस जगह ज़्यादा टच हो रहा दोस्तों और जगह नहीं टच हो रहा, ये इस जगह। अब देखिए दोस्तों हम इस जगह पर देखें,
इस जगह पर टच हो रहा, ठीक है, और इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही टच हो रहा है, ये इस जगह पर, ठीक। तो हम इस जगह पर फिर से थोड़ी सी चोट मारेंगे, हल्के हाथ से मारना है, क्योंकि ये बहुत ज़रा से में इधर चली जाती है, ज़रा से में उधर चली जाती है, इसलिए अब दोस्तों ये सही नहीं आ रही। अभी भी क्या है, दोस्तों देखिए इस जगह पर नहीं छू रहा, इस जगह पर छू रहा, ठीक दोस्तों। तो जिस जगह पर नहीं छू रहा, इस जगह पर अब हमको उधर से हल्के हाथ से फिर से चोट मारना है, इस तरीके से। दोस्तों ये प्लेट बहुत, कोई कोई प्लेट बहुत अच्छी होती है दोस्तों, और कोई कोई बहुत हल्की होती है। हल्के में क्या होता है, बहुत जल्दी टेढ़ी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, अब लगभग में बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन एक जगह पर थोड़ा सा दिक्कत है। अभी यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ, अब यहाँ पर फिर से मारना है हमको, उधर से फिर से चोट मारना है इस तरीके से। अब इस तरीके से चोट मारना है हमको, देखिए दोस्तों बिल्कुल भी सीधी आ गई दोस्तों, देखें बिल्कुल भी। अब हम थोड़ा सा और करके करीब में चाहेंगे कि करीब में करके थोड़ा सा दिखावा, हाँ, और बिल्कुल भी यानी इस तरीके से दिखाते भी नहीं बनना दोस्तों, लेकिन फिर भी आप देखिए बिल्कुल भी, अब ये बिल्कुल सीधी आ गई है दोस्तों, बिल्कुल देखें, अब कहीं से वैसा कुछ नहीं महसूस हो रहा कि यानी टेढ़ी है। पहले क्या होता दोस्तों, वो छूता था उंगली में, फिर नहीं छूता था, इस तरीके से था दोस्तों। अब क्या है, बिल्कुल देखें दोस्तों, ये इस तरीके से बिल्कुल सही आ गया, ठीक दोस्तों। अब तार, अगर हम दोस्तों तार से भी दिखाना चाहेंगे तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये इस तरीके से है, ये पूरे जगह टच हो रहा, ठीक दोस्तों। तो अब देखें हम इसको बांध, दोस्तों देखिए आप बिल्कुल देखें, अब हमने इसको सीधी कर दिया दोस्तों, तो अब बिल्कुल देखें कहीं से भी वैसा नहीं लग रहा दोस्तों कि अब टेढ़ी है, समझ रहे दोस्तों, क्योंकि देखिए इस तरीके से अब ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही है दोस्तों। तो जब भी आपको दोस्तों ये सीधी करना हो तो इस तरीके से दोस्तों सीधी कर सकते हैं दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों कि ये काम हम, हो सकता है 10 मिनट में करते हों, तो हो सकता है आपको 15 मिनट 20 मिनट में आप कर पाएँ, लेकिन दोस्तों इसको कुछ जो हल्की होती हैं उनको आपको प्लेट पे हल्के से चोट मारना है, और जो वज़नदार या मोटी होती हैं जैसे पल्सर 220 हो गए या पल्सर 180 हो गए, तो उन सब के थोड़ा हैवी होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से मजबूत होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा जोर से चोट मारना पड़ेगा, तभी दोस्तों इस तरीके से यानी सीधी होती हैं। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे जो वीडियो हम आपको डालें वो आप तक पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।